माय फ्रेंड्स, ये मोबाइल लोन एप्लीकेशन है, यहाँ पर क्लाउड लोन एप्लीकेशन आप देख पा रहे होंगे। अगर आप इसके डाउनलोडर की बात करोगे तो लगभग इस एप्लीकेशन को अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अगर बात की जाए इसकी रेटिंग वगैरह के बारे में तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को 4.4 की रेटिंग मिली हुई है। अगर रिव्यू की बात की जाए तो लगभग 1K लोगों ने अब तक इस एप्लीकेशन को रिव्यू दे दिए हैं। अगर इसकी हम रिव्यू वगैरह की बात करें स्टार्टिंग की, तो किसी व्यक्ति ने इसके बारे में ठीक कह दिया है, किसी व्यक्ति ने ठीक नहीं कहा है, और किसी व्यक्ति ने इसके बारे में बिल्कुल ठीक कह दिया है। इसके अगर अबाउट सेक्शन की यहाँ पर बात की जाए, अबाउट सेक्शन में ये एप्लीकेशन लिखती है अगर यहाँ से कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो उसको ये एप्लीकेशन 2 लाख रुपये तक का लोन प्रोवाइड कराएगी, राइट। इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो दिखा रखा है वो लगभग 26% के आसपास इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है मैक्सिमम, और मिनिमम 2.9% के आसपास दिखा रखा है, ठीक है। यानी 26% जो है एक बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट हो जाता है, ठीक है। 2.9 से लेकर के 26% तक का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जा सकता है, ठीक। अगर बात की जाए यहाँ पर इस एप्लीकेशन में कितना समय मिलेगा, मतलब अगर व्यक्ति यहाँ से लोन लेता है तो कम से कम यहाँ पर 95 दिन लिखा है और अधिकतम 365 दिन लिखा है। इन्होंने अपने आप को एक RBI ऑथराइज NBFC के साथ में ज्वाइन बताया है। इन्होंने क्लियर कहा है कि ये कोई NBFC नहीं है, किसी NBFC के साथ में मिलकर के ये वर्क कर रहे हैं, राइट। अब ये इनके कहने से हम नहीं मान सकते कि वाकई में ये क्या ऐसी NBFC के साथ में वर्क कर भी रहे हैं, नहीं मान सकते। इस चीज़ को हम वेरीफाई नहीं कर सकते और ना ही इस पर हम कोई अपना कोई मतलब कहेंगे कि है भी या नहीं है। इसके लिए तो आप ये जो NBFC का नाम बता रहे हैं उनसे ही बातचीत करके पता करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। अब भविष्य में मानो किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो जाती है तो भाई व्यक्ति क्या करेगा, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह देखेगा। तो वही चीज़ हमने भी यहाँ पर कलेक्ट करने का प्रयास किया, हमें कोई खास इनकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह नहीं मिली, ठीक है। अब भाई हमने जब इसके रिव्यू देखे तो रिव्यू देख करके तो लगा कि हाँ भाई एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अबाउट सेक्शन में सब कुछ सही लग रही है, अच्छी होगी। लेकिन जब हम इसके सी ऑल रिव्यू सेक्शन में यहाँ पर गए, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सी ऑल सेक्शन में जाने के बाद में हमने पाया यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन। हमने क्रिटिकल सेक्शन में देखा लोगों का कहना है, ये देखिएगा आप क्या कह रहे हैं व्यक्ति। भैया लोग क्लियर कह रहे हैं कि एप्लीकेशन 7 दिन के लिए ही लोन देती है और 7 दिन बाद व्यक्ति के मॉक फोटो बनाती है, उनको डराती है, हरास कराती है, धमकाती है, उनकी इज्जत पर प्रहार करती है। तो ये बात यहीं क्लियर हो जाती है इनके रिव्यूज को देख करके ही कि अगर कोई एप्लीकेशन NBFC से ऑथराइज्ड है तो वो कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगी। क्यों, रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर कंपनी के खिलाफ मैक्स से मैक्स कंप्लेंट जाती है ना तो कंपनी पर स्ट्राइक भी लग जाती है, राइट। तो कभी कोई भी बैंक NBFC क्रिमिनल वाला काम नहीं करेगा, गुंडा मतलब जो इस तरीके से करते हैं, ये मॉक फोटो बना रहे हैं, ये वही करते हैं जिनका ना तो कोई एड्रेस होता है ना ही कुछ होता है, जिनको पकड़ना नामुमकिन होता है। और आप ऐसी एप्लीकेशन पर पूरे तरीके से लगा देते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट। अब आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये डर होगा कि इस एप्लीकेशन के आपने जो जो लिए हैं 5,000 दिए हैं या 4,000 दिए हैं, अगर उनका भुगतान नहीं करते हैं तो क्या ये लीगल एक्शन लेगी। जब ये RBI की गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं कर रही, जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑथराइज तरीके से ही काम नहीं कर रही, तो ये क्या आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगी, ये बताइए मुझे। किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन ये एप्लीकेशन नहीं ले पाएगी। आप अगर आपके मान सम्मान को खंडित किया जा रहा है, अगर आपके साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है, अगर आपको हरास किया जा रहा है, अगर आपको बेइज्जत किया जा रहा है, अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, cybercrime.gov.in पर जाइए और अपनी एक कंप्लेंट लोग कराइए। और सबसे पहले उस कंप्लेंट की कॉपी जितने भी आपके रिलेटिव हैं उनको भेजिए कि देखिए मैंने कंप्लेंट कर दी है, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, ये फेक एप्लीकेशन है और मैं पूरे तरीके से इसमें फंस चुका हूँ। और अगर आपने जो ये 2000 3000 4000 का लोन लिया है, आप पूरे तरीके से भूल जाइए, आपने कोई लोन भी लिया है आप सोच लीजिए आपका जो लोन है वो पूरे तरीके से माफ हो गया, राइट। एकदम मौज आ गई, इंजॉय करो, खुल के रहो, किसी भाई को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि ये क्लाउड लोन ऐप फेक है या रियल है, तो मैं बता दूं फर्जी है, फेक है, फ्रॉड है, इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको दे चुका हूं इस वीडियो में। किसी भी व्यक्ति को एक भी पैसा इनका देने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी ये कहते हैं कि हाँ भाई पैसा दो कि हाँ दे देंगे भाई, लीगल नोटिस भेज, लीगली वे में कार्रवाई कर और बाय पोस्ट भेज, तेरा पाई पाई वापस करेंगे, ठीक। ये बोलो, बात खत्म।
कोई व्यक्ति घबराए ना, डरे ना। और रही बात इसके रिव्यू वगैरह की, तो ऐसे रिव्यू मैं कंटिन्यू लेकर के आता रहता हूँ, लोगों को अवेयर करता रहता हूँ। आप भी अपने आस पड़ोस वाले जितने व्यक्ति हैं सभी को अवेयर करें और ऐसी किसी एप्लीकेशन के चक्कर में कोई व्यक्ति ना पड़े। और एक मजे की बात और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन की। देखिए यहाँ पर आप आएंगे ना तो जो पॉजिटिव रिव्यू है, भैया ये जो रिव्यू है ये फॉरनर्स ने दे रखे हैं। अरे भाई बेवकूफ हो, तुम काम कर रहे हो भारत में लोन देने का, तो ये फॉरनर का क्या मतलब है। और क्रिटिकल सेक्शन में आएंगे ना आप, क्रिटिकल सेक्शन में आके देखना तो जो रिव्यू दिए हुए हैं ना वो ऐसे लोगों ने दिए हैं, बस क्या ही बताऊं। देखो इंडिया के लोगों ने दिए सारे रिव्यू यहाँ पे, ये देखिए ये जो क्रिटिकल सेक्शन है इसका, ये जो रिव्यू दिए हैं ये भारतीयों ने दिए हैं, मतलब अच्छे रिव्यू फॉरनर ने, और जब गलत काम कर रहे हैं तो वही वाली बात है। तो लोगों को इस तरीके से लोग लूट रहे हैं, लोगों के साथ में इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। क्रिटिकल सेक्शन को आप अच्छे से एक बार स्टडी कर लिए समझ जाएंगे। तो भैया अपना भविष्य सिक्योर रखो, ऐसी किसी एप्लीकेशन पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना लगाओ, बेटर होगा, वरना काफ़ी दिक्कत में आप आ सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में भी क्वेश्चन है इस क्लाउड लोन एप्लीकेशन को लेकर के कि कोई लीगल एक्शन लेगी या नहीं लेगी, पैसा दें या ना दें, मत दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दो भाई, लीगल एक्शन ले लो, लीगल एक्शन लोगे ना तभी हम पैसा दे देंगे। बात करता हूँ, इन्जॉय करो। और कोई रिकवरी एजेंट कॉल करता है उसको कॉल को ब्लॉक करना चाहो कर सकते हो, वरना उसी की भाषा में उससे बात करोगे अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, अच्छी नहीं लगी है वीडियो को बिल्कुल भी शेयर मत करना। कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट में बता सकते हैं। किसी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनवाना है, बताना है उस एप्लीकेशन के बारे में कि वो क्या कर रही है, आप हमारी मेल आईडी jayjanashakti@hotmail पर भेज सकते हैं। हम विदिन 24 to 72 hours के अंदर वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आप हमें मेल कर चुके हैं 24 to 72 hours से ज़्यादा हो चुका है, आप हमें ट्वीट पर टैग करते हुए जय जन शक्ति को ट्वीट पर भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और बाकी सभी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही, ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम, आप मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और मेरा जो चैनल है टेलीग्राम पर आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, छोटे छोटे अपडेट मैं वहीं पर ही लेकर के आता रहता हूँ। ये वीडियो जो हमारे द्वारा बनाई जा रही है, इस वीडियो के लिए हमसे रिक्वेस्ट की है मिस्टर अर्जुन ने, अर्जुन जी की जो रिक्वेस्ट पर हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं, और हमने क्लियर आपको बता दिया है कि आखिर ये एप्लीकेशन क्या कर सकती है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।